मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जातिगत जनगणना का आंकड़ा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सामने आ गया है। जाति आधारित जनगणना में बिहार सरकार की ओर से कुल 214 जातियों के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होते ही कुछ समुदाय के लोगों के बीच नाराजगी भी देखी गई। इसको लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने जातिगत जनगणना के प्रकाशित आंकड़े पर कहा कि जातिगत जनगणना सबसे पहले बिहार में किया गया, यह बड़ी खुशी की बात है और अभी जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जाति जनगणना सार्वजनिक रिलीज नहीं हुआ है, इसमें अगर किसी तरह की त्रुटि है तो इसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर जल्द विचार करेंगे। जाति जनगणना बहुत अच्छी बात है, पूरे देश में इसे कराया जाए। वहीं प्रधानमंत्री से भी मेरा आग्रह है कि पूरे देश में जाति जनगणना कराएं, तभी आरक्षण की नीति को लागू करें। सिर्फ बिल पास करने से कुछ नहीं होने वाला, अगर किसी जाति की गणना में कुछ सुधार की जरूरत है तो उसे जल्द से जल्द किया जाएगा। इसमें किसी तरह की हड़बड़ी की बात नहीं है। जाति जनगणना से यह पता चलता है कि किस जाति के कितने लोग हैं, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, उनके हिसाब से सभी जातियों को आरक्षण मिलेगा। यह देश हित के लिए काफी फायदेमंद होगा। देखिए, जाति जनगणना सबसे पहले बिहार में हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात है। और अभी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, पहले जाति जनगणना अभी तो सार्वजनिक अभी रिलीज हुआ है, हम लोग सब देखेंगे। और मान लीजिए कि अगर कोई गलती हुई है, जो मैं भी सुना हूँ कि जाति जनगणना में लोग कह रहे हैं कि हमारा संख्या कम हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किस जिस भी जाति के हों। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे महिला अभी आरक्षण की बात अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसमें ये हुआ कि जाति का जनगणना होना चाहिए, सेंसक होना चाहिए। वो होने से क्या होता है, पता चलता है किस जाति के लोग क्या हैं, कितने गरीब हैं, अमीर हैं, उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा सब जातियों को। अगर कोई गलती हुई है तो ये तो फिर माननीय मुख्यमंत्री देखेंगे। ये जो जाति जनगणना जो कराया गया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा पूरे देश को कराया जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे पूरे देश में जाति जनगणना कराइए और करा के ही आरक्षण की नीति को लाइए। आप इस तरह से बिल पास करने से क्या होगा, पहले तो जाति जनगणना ही नहीं हुआ है, पूरे तो बिहार में हुआ है। बिहार में तो पहले भी चल रहा था, महिला आरक्षण को काम दिया जा रहा था, आदरणीय राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था में पूरे देश में लागू किया, फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हम लोग सरकार में थे तो बंद लागू हुआ था। इसलिए यह कहना कि गलत हुआ है, अभी उसको देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे। अगर कहीं गलती हुई है, छूटा है, तो उसको फिर से जोड़ा जाएगा, इसमें ऐसी कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। लेकिन जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है ताकि उनको हक मिल सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घर घर नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य 2013 में ही लिया था। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की अभी तक यानी 2023 तक की जो सच्चाई सामने आई है वो चौंकाने वाली है। 10 वर्षों में खासकर शहरी आबादी के बीच ब्लू रंग का पाइप ही पहुंचा है। अलग बात है कि अपने गृह जिले नालंदा में गंगा नदी का जल लिफ्ट कराकर जलापूर्ति की जा रही है। बाकी अन्य जिलों में शहरी आबादी के घर घर का हाल भागलपुर से दिखाते हैं। 51 वार्ड वाले भागलपुर शहरी आबादी में तकरीबन 2,00,000 पानी का टंकी आम लोगों ने लगा रखा है। उसमें समरसेबल बोरिंग से पानी चढ़ाते हैं, जबकि शहर में तकरीबन 2 दर्जन जल मीनार भी है, लेकिन कई खराब है तो कई 2013 के बाद से ही निर्माणाधीन है। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से बुडको बिहार ने भागलपुर को 2013 में ही घर घर नल के जल के लिए 585 करोड़ राशि उपलब्ध कराई थी। आम शहरी प्राणेश राय और वार्ड पार्षद 45 के धीरज कुमार जो बता रहे हैं, वो सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट का पोल खोल रहा है। ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट का बाट कहा जाए तो जो इस कार्य को देख रहे IAS अधिकारी बोलिए या इससे संबंधित, इस विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं, पूर्ण रूपेण उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाया, जिस कारण से आज लोगों के घर जल नहीं पहुंच पाया। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये शहर झेल रहा है, जैसा कि हम लोगों को जानकारी है, वुडको को ये काम दिया गया था, उसने पूरे शहर के रोड को काट कर तहस नहस कर दिया पाइप डालने के लिए। और जिस तरह से रोड काटा गया था, उनकी पूरी जिम्मेदारी थी उस रोड को भरने की भी, उसको वापस से रिपेयर करने का। लेकिन
वो रिपेयर नहीं हो पाया और आज रोज़ जो है शहर में घटना दुर्घटना रोज़ एक्सीडेंट का शिकार लोग हो रहे हैं। यानी दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। बिल्कुल, और इसमें पूर्ण रूपेण जो है सो इसकी जिम्मेदारी इस विभाग को देख रहे संबंधित अधिकारियों की है। उनकी नेग्लिजेंसी के कारण ही इस शहर की स्थिति जर्जर है। ये करीबन 3-4 महीने तो हो चुके होंगे, ज़्यादा ही हो चुके हैं, कम नहीं हुआ होगा। वो आपका 7-6 महीने में जो हर घर नल योजना जो मुख्यमंत्री जी का था, नीतीश बाबू का ये था कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट में था कि इसको हर घर नल पानी पहुंचाया जाए, मगर अभी तक ये धरातल पे नहीं उतरा है। 2023 की ये योजना थी, इसे जल्द से जल्द धरातल पे उतारना था। 2013 की अब 2023 आ गया है, 10 साल में अभी जस का तस वो रखा हुआ ही है। जितने सारे जल मीनार बने हुए हैं वो आधे अधूरे बने हुए हैं, किसी का कनेक्शन है। अगर आपसे पूछती है तो क्या जवाब होगा? बस जो जनता से आप बस बरगलाना पड़ रहा है, झूठ मुठूल बोलना पड़ रहा है, जनता को क्या करें, वो आगे से समय देता है 6 महीना 6 महीना, मगर जनता आक्रोशित बहुत ज़्यादा है। हम लोग कम से कम 4-5 महीना होता है ब्लू पाइप लगाने से। हाँ, बेसी होता है और अभी तक पानी नहीं आया। सड़क पे जो पाइप डाला वो कब डाला था? 7-8 महीना हो गया, पानी एक बूंद नहीं आ रहा है। कौन पूछ रहा है पानी कब आएगा? किससे पूछ रहे हैं आप? ही तो पूछ रहे हैं आप, आए निगरानी में तो आप ही ना पूछेंगे ना। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में लगातार डेंगू के डंक से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी तक सरकारी अस्पतालों में लगभग 850 मरीज भर्ती हो चुके हैं। वहीं डेंगू से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि अभी लगभग 150 लोग डेंगू से पीड़ित होकर सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के साथ साथ डॉक्टर जल जमाव नहीं होने को लेकर आम लोगों को आगाह कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड नंबर 49 और 50 की जनता काफी दिनों से जल जमाव की समस्या से परेशान है। वारसलीगंज रोड पर 2 महीने से अधिक समय से जल जमाव है, लेकिन आज तक नगर निगम की निगाह इस तरफ नहीं पड़ी। वहीं मोहल्ले में लगभग सभी घरों में डेंगू से लोग पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। वहीं मोहल्ले के लोग जल जमाव की समस्या और डेंगू से परेशानी के बाद अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और नगर आयुक्त सहित मेयर के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। वसुंधरा को कि एजुकेटेड है वो समझेगी, इस तरह का हालत में सीमा सामने और वसुंधरा में क्या अंतर है? क्या परेशानी हो रहा? परेशानी क्या नहीं है, यहाँ वीडियो बनाई है, देखिए कि क्या हाल है। बच्चा मेरा मर रहा है, अभी उतना पैसा लग गया है, बच्चा मेरा ठीक नहीं हो रहा है। डेंगू हो गया है, बच्चा मेरा 15 दिन से बिछौना धरे हुआ है, कोई नहीं सुन रहा है, कौन सुनेगा? देखिए सारा दिक्कत तो सामने है, सारा दिक्कत सामने है। नर्क बना हुआ है, ना नाली साफ ना कुछ, ये सब क्या है? इसीलिए हम लोग वोट दिए हैं, वोट तो दिए थे वसुंधरा को, यहाँ पार्षद में पंकज गुप्ता को। की सोची गए? सोच के दिए कि ये लोग अच्छा करेगा, एजुकेटेड है, ये है आदमी, बढ़िया है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल आदमी है, तो वो सुनेगी। लेकिन अंतर क्या रह गया सीमा सा और उसमें? कभी देखने भी नहीं आती है, एक बार उसको आना चाहिए, वेरिफिकेशन करना चाहिए, नहीं समझ में आता है औचक निरीक्षण करे वो।
तो यही है कि रोड नाला दोनों जाम है, कोई पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई मेयर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ डेंगू का मरीज हो गया, हम लोग को परेशानी आने जाने में दिक्कत बहुत हो रहा है, और बच्चे लोग भी गिर पड़ रहे हैं, टोटो उलट गए थे परसों। कितना दिन से समस्या आई? ये समस्या साल भर से ऊपर हो गया, ये समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग के वार्ड में 50 भी वही हाल है, 51 भी वही हाल है, 49 भी वही हाल है, सब वार्ड का वही हाल है। कितना पेशेंट है इधर? कम से कम 100 में 90% वारसलीगंज में पेशेंट है, डेंगू का मरीज है पेशेंट। क्या कारण है? अरे यही नाली खराब, पानी निकल रहा है रोड पर, जाने आने में दिक्कत हो रहा है पब्लिक को, थोड़ा समस्या हो रहा है। पानी के जाम के कारण ही डेंगू का मरीज है यहाँ बहुत, आके आप लोग देख सकते हैं। दवाई में खर्चा कर लिए बाबा, बुखारे छूटे नहीं, इसलिए जांच पांच कब तक कर लिए। पानी जमा? हाँ, पानी से देखो आगू कतः से दे, मैला तेला सब आगे में जमा, कतन न रख में बोलते रहे बेटा। बोलो निगम में जाके बोले जिकने? हैं, कोई सुनवाई नहीं कर से लग कर ले, कोई कोई सुनवाई नहीं कर से, सब रमन खराब हो गए बेटा, 5-6 हज़ार टका खर्चा कर ले, जांच उस सब का कर लिए। परेशानी हो रही छे, थोड़ा थोड़ा भर पानी भी हो जाए छे, लालिसा अपने करे लावे छे, को वाटो सा न मियर भी देखे लावे छे, बगल अगर में डेंगू भी हो गलो छे, बहुत परेशानी समस्यानी लाले, अपने से भी साफ करे पड़ी जाए, फिर भी पानी एकदम पूरा रहे, कभी नहीं साफ करे लावे। कितना दिन से परेशानी छे? तैयो साल भर से हो गलो छे, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई मेयर जितते तो साफ हो जाते, यू तो यू ओने करी जाए छे, मेयर आरो खत्म हो गलो छे, पंकज गुप्ता ने समझे बुझे छे, नहीं 49 नहीं 50 नहीं 51 सब मिलाए दल छे, के में परेशानी ही है। इधर से कोई आदमी, कोई बच्चा स्कूल जाने वाला डेली गिरता है, 24 घंटा जाम रहता है ये रोड, और पानी रोड नाला का पानी पूरा रोड पर आ जाता है, इसमें पार्षद क्या करे, पब्लिक क्या करे, इसमें सरासर दोष नगर आयुक्त महोदय का है, जो कि कभी नहीं आते हैं इस समाज में, मेयर का भी इसमें दोष है। अभी हम लोग का मूर्ति विसर्जन दुर्गा पूजा का यही रूट है, हम किधर से जाएंगे मूर्ति लेके? डेंगू का पेशेंट कितना है? डेंगू, सिर्फ डेंगू का ही पेशेंट भरा हुआ है। क्या? गंदगी, पानी जमा, नाला का पानी में खाली कीटाणु है, पूरे शहर का पानी है। पूरा शहर का पानी का बहाव इधर ही है। कितना दिन से समस्या आई? ये 3 पीढ़ी के लोग गुजर गए, अभी तक इसी तरह चल रहा है। यहाँ पे परेशानी का अंबार लगा हुआ है, परेशानी नहीं है इसको कह सकते हैं, आज तक दक्षिणी खंड को सब कोई ठगा है और आज भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम लोग वार्ड पार्षद हो के अपने जनता का कोई भी दुख तकलीफ दूर नहीं कर सक रहे हैं, जब से आउटसोर्सिंग कंपनी आई है तब से जब नाला का उड़ाई कराते हैं, ट्रैक्टर नहीं मिलता, 2 महीने पे एक ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है, नाला का सील्ड फिर बारिश के कारण अंदर चल जा रहा है, आज स्थिति देख लीजिए, यहाँ डेंगू का पूरा जोन बना हुआ है मेरा 50 नंबर वार्ड। कारण क्या है? पानी का जल जमाव, वारसलीगंज रोड देख लीजिए आप, पंचमुखी रोड देख लीजिए आप, बबरगंज रोड देख लीजिए, कुतुबगंज देख लीजिए, कोयली रोड, इतनी भयावह स्थिति है, लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन भी इस पे कोई सुनवाई नहीं ले रही है। हमारे वार्ड में 5-5 अभी दुर्गा स्थान है, किस स्थान से अब कैसे विसर्जन होगा, इस नाले के पानी में लोग विसर्जन करेंगे, कोई चिंता नहीं है इसके लिए। शिकायत किए थे इसको नगर आयुक्त को? हमने बहुत बार लिखित शिकायत किया है, अपने जनरल बोर्ड की मीटिंग में रखा है इस बात को, महापौर महोदया को दिया है, नगर आयुक्त को दिया है, डीएम साहब के संज्ञान में इस आवेदन को दिया गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। डेंगू का इतना महाप्रकोप है, फॉगिंग आता है, फॉगिंग करने 10 लीटर डीजल लेके एक गली नहीं पूरा हो पाता है, पूरे दक्षिणी खंड का सबसे बड़ा वार्ड वार्ड नंबर 50 है, यहाँ पे 3205 होल्डिंग संख्या है, घर की संख्या 3205 है, जिससे नगर निगम टैक्स वसूलते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, एक कचरे का डब्बा अभी तक नहीं है वार्ड नंबर 50 में, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, आखिर हम लोग करें तो करें क्या? अब पब्लिक वार्ड पार्षद को सिर्फ मारा नहीं है, गाली तो दे ही रहा है, गाली हम लोग सुन ही रहे हैं, अब मार खाना बचा है, अगर जिला प्रशासन को वही है तो हम लोग डेली अब मार खाएंगे, अब बचा क्या है?
भागलपुर में एक दिन पहले इस स्वच्छता अभियान के तहत रेलवे अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कूड़े को नदी के किनारे नगर निगम वालों ने फेंक दिया। अब सवाल है कि गंगा नदी है या शहर का डस्टबिन। मानो भागलपुर नगर निगम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का ठेंगा दिखाने में उस्ताद है। स्वच्छता अभियान में शामिल नेता फोटो और वीडियो अपलोड कर अपनी शान समझते हैं, लेकिन राम और रहीम की गंगा मैली होने के साथ विषाणु वाला डस्टबिन बनता जा रहा है। नॉक मूड को जाना पड़ता है यहाँ से। यहाँ कूड़ा कौन गिराता है? कूड़ा नगर निगम का गिराता है। नगर निगम से मना नहीं करते आप लोग? मना करते हैं हम लोग सर, लेकिन मानेगा तब ना कहता है कि कंपनी भेजता है। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भागलपुर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के नेतृत्व में मनाई गई। इस मौके पर जदयू के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। जदयू के भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी का देश को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका रहा है और उनकी नीति भी अहिंसा की रही है। उनके विचारों से हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा कि गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण जैसी कई सोच गांधी जी की थी, वो नीतीश कुमार अभी पूरा करने में लगे हुए हैं। साथ में उन्होंने कहा कि अभी पूरे राज्य में जाति जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित किया गया है, यह अभी सभी जाति वर्गों के लिए खुशी की बात है। जो चला रहा है और योजना, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे आज शराबबंदी, महिला को सशक्तिकरण देना, महिला को आगे बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें गांधी जी का सपना था और इसको पूरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से आज एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज देश में लगातार जो फिरका परस्त ताकत प्रहार कर रही थी, केंद्र में बैठी भाजपा समर्थित सरकार जो अप्रत्यक्ष रूप से और कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी जाति जनगणना का विरोध में था, आज हमारे नेता माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने 2 अक्टूबर का दिन चुना और आज पूरे राज्य में जाति गणना का आंकड़ा जो है प्रकाशित हुआ है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नेता का सोच है, नेता का जो अधिकार है, सपना है कि हमारे माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चीज़ों को कैसे आगे लेकर चलें, उसी का ये उदाहरण है कि आज के दिन ही जाति जनगणना का उन्होंने प्रकाशन किया है और पूरे राज्यवासियों को पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ण है, सबों के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी था। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास कार्यालय में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम के दौरान भागलपुर कांग्रेस इकाई के सभी प्रकोष्ठ के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। देश बेहतर दिशा और दशा देने का काम महात्मा गांधी ने किया है, भारत को आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। साथ ही अजीत शर्मा ने सबों से आग्रह करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही देश को फिर से एक विकासशील देश बना सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर उनके विचारों पर अमल करना चाहिए। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का तो उन्होंने भी नमन करते हैं, सबको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के जो देश को दिशा दिया, भारतवर्ष को आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही, मैं सबों से आग्रह करूंगा उनके बताए हुए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले और देश को फिर से एक नए विकास की सिरा पर ले जाने का काम करें। फिर से उनको नमन करते हुए पूरे देशवासियों को आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी विचार विभाग के गांधी प्रतिमा स्थल के नीचे जिला ओबीसी कांग्रेस की ओर से एक दिवसीय मौन सत्याग्रह सहधरना का आयोजन किया गया। मौन सत्याग्रह पर बैठे कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूरे देश में महिलाओं को 33% महिला आरक्षण अविलंब लागू किया जाए। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने जो महिला आरक्षण को लेकर दोनों सदनों में विधेयक पास किया है और अब सेंसस का बहाना बनाकर इसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है,
हम लोगों की मांग है कि पुराने सेंसस को दिखाकर आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको लागू किया जाए। वहीं इन लोगों का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण का जो विधेयक लाई है, इसे पहले कांग्रेस के द्वारा लाया गया था, लेकिन भाजपा के द्वारा दोनों सदनों में समर्थन नहीं दिया गया, जिस कारण आज तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब दोनों सदनों में महिला आरक्षण पास हो गया है, अब इसमें लेट नहीं होना चाहिए और महिलाओं को 33% महिला आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये एक्चुअली गांधी जी की जयंती है, पुष्पांजलि कर हम लोग महिला आरक्षण 33% का जो सांसद में पास किया गया, और इसमें जो आधा अधूरा निर्णय दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि सेंसस होगा, उसके बाद परिसीमन होगा, तब आरक्षण लागू होगा, इसमें कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो लागू करने जा रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोगों का मांग है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दें और यथाशीघ्र, मतलब 2024 के चुनाव से पहले आप इसको लागू कर दें। साथ ही हम लोगों का इसके साथ मांग है OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं के जितने भी महिलाएं हैं उसको भी आरक्षण में शामिल किया जाए। इसके लिए पूरे देशव्यापी आज OBC कांग्रेस का गांधी स्टैच्यू के नीचे में हम लोगों का आज मौन प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुसांगिक इकाई राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा महिला समन्वय की भागलपुर इकाई के तत्वाधान में एक दिवसीय मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन आनंदाम ढांडानिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की जय के जय घोष से की गई। इसके बाद भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किए गए, फिर वंदे मातरम गीत गाए गए। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के कई विधा से जुड़ी महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित थी। भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ साथ अपने विशिष्ट कार्य में विशिष्ट उपलब्धि पाने वाले महिलाओं को इस महिला समन्वय भागलपुर इकाई के कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय सेविका समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका सुनीता हल्देकर ने कहा कि महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र में राष्ट्र के उत्थान में रहा है, फिर भी महिलाओं को नीचे नजरिए से देखा जाता है। इस सोच को बदलने के लिए महिला कमर कस ली है, अब वो किसी से कम नहीं है। जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं उन्हें राह दिखाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, के माध्यम से मातृशक्तियों को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जब पुरुष का की जो लोगों की सोच थी कि नारी सिर्फ सुविधा और उपभोग की वस्तु है, लेकिन आज के परिस्थिति में और आज के आधुनिक भारत में महिलाएं हर एक ऊंचाई को हासिल कर रही हैं। सिर्फ उनके अंदर की शक्ति को सिर्फ उन्हें बताने की जरूरत है और उन्हें सही दिशा में उनको मोड़ने की आवश्यकता है। और आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से भारतवर्ष युवा देश, सबसे ज्यादा युवाओं की तादाद यहाँ है, तो मातृशक्ति के रूप में यहाँ पर भारतवर्ष में महिलाओं की जो संख्या है। भागलपुर के राजकीय बालिका इंटर विद्यालय में गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री की जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, साथ ही साथ सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य राम कुमार अमरनाथ, वार्ड पार्षद नंदिकेश सांदल्य के अलावे विद्यालय के दर्जनों छात्राओं ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। साथ ही कार्यक्रम में वैसे 10 बच्चों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। हम लोगों ने अपने विद्यालय में गांधी जयंती के साथ साथ से लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को मनाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर हमने अपने वार्ड के हमारे वार्ड पार्षद श्री नंदिकेश सांडिले जी को बुलाया और इसके साथ ही हमारे विद्यालय में जो पढ़ रही थी छात्राएं जिन्होंने मैट्रिक में 1-10 स्थान प्राप्त किया है, उन सभी बच्चों को सम्मानित करने के लिए आज अपने विद्यालय में हमने बुलाया है। ये सभी बच्चे कल के भविष्य हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनका भविष्य उज्ज्वल रहे। मैं राजकीय बालिका इंटर विद्यालय का प्राचार्य अब कुमार अमरनाथ।